तो नमस्कार फ्रेंड, आरके किरण जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि हम भी आज अपने कामों में व्यस्त हैं। ये देखिए, हमारी ड्यूटी लगी है, फौज की ड्यूटी लगी है। सारे मम्मी पापा गए हैं, हमारी ननद के यहाँ पूजा है, उसी में निमंत्रण मिला था उन दोनों को, मतलब मम्मी पापा वहीं गए हैं, तो आज हमारी ड्यूटी लग गई है। घर में तो ऐसे उनके चहेते बहुत हैं, पर कोई काम नहीं आता, किरण ही काम आती हैं। आप सब कमेंट में भले मुझको गाली दीजिए, पर मैं यही सच्चाई है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। वैसे तो वो सबको पालती पोसती हैं, अगर वो ना रहे ना तो कितने लोग खाने के लिए मर जाएंगे हमारे घर में। अगर सासू, हमारी सासू माँ और सास ससुर जी ना रहे ना तो बहुत लोग खाने के लिए मर जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं, वो कुछ करती हैं, सही बता रही हूँ आप सभी को। चाहे आप सभी ने मुझे कमेंट में गाली दीजिए, कुछ भी कहिए, पर मैं यही सच्चाई बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ फ्रेंड। और तो आज हमारी ड्यूटी सासू मम्मी की, ये सब बकरियाँ हैं, इसमें से मेरा बेटा है, वो बोलता माँ, वो मतलब कि अपनी दादी के साथ रहता है, तो बोलता मुझे भी एक बकरी दे दो। तो गई थी दिल्ली, आप सभी को वीडियो देखने को मिला होगा, जब दिल्ली जा रही थी मैं वीडियो डाली थी। तो दिल्ली जा रही थी तो बोली, चलो ठीक है एक बकरी ले लेना, फिर मेरी बकरी है तुम लोग चराना, एक हफ्ते के लिए मैं जा रही हूँ। तो मेरा बेटा बोला ठीक है माँ, दादी मैं आपकी बकरी देखूँगा, मुझे एक बकरी दो। तो इसी बकरी के कारण मुझे ये सारी बकरियां चराना पड़ रहा है। अब क्या बताऊंगा सभी से, देखिए कितनी बकरियां हैं हमारे घर में, पर कोई मानता नहीं है। और वैसे तो गांव भर की बकरियां सासू माँ चराती हैं, पर उनकी बकरियां कोई नहीं चराता है। गांव में हमारी बहुत बकरियां नहीं है, मतलब आप सब समझ जाइए, हमारे गांव वाले इतना बकरी नहीं पालन करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास बकरी हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को कोई बात अगर ख़राब लगे तो क्षमा कर देना, अगर मुझसे गलती हो। चलिए फ्रेंड, हम आप सभी को बताते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत गाली सुनती हूँ वीडियो के लिए मैं। हमारे घर में एक हफ्ता हो गया, लड़ाई हो गई थी वीडियो के चक्कर में, पता है फ्रेंड। एक हफ्ते हो गए फ्रेंड, लड़ाई हो गई वीडियो के चक्कर में। एक सब्सक्राइबर थे, हमसे मिलने आए थे, तो हमारे ज़्यादा दूर के तो नहीं है, पास ही के हैं। बहुत मतलब कोई जाता है ना उम्मीद लेकर किसी पास से, हम भी जाने के लिए सोच रहे हैं फ्रेंड, क्या करें। हमारे हस्बैंड है, काम करते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, आप सब तो समझते हैं। हमारे दो बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो आप सब समझ ही सकते हैं कितना खर्चा लगता है प्राइवेट स्कूल का। तो फ्रेंड, लड़ाई हो गई थी, बेचारा मिलने आया था उससे, वीडियो में हमने नाम लिया है जिससे लड़ाई हुई थी, आप सब देख लेना, शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, एक हफ्ते पहले का वीडियो है, तो आप सब देख लेना। जिसका नाम लिए हैं वही थे, लड़ाई किए थे, वीडियो के लिए हमें क्या क्या गाली सुनना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, हम ही जानते हैं। कहते हैं घर पे वीडियो मत बनाओ, जाकर कहीं बाहर वीडियो बनाओ, हमारे घर पे ये सब काम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, उनका घर है तो हमारा भी घर है ना, क्या तुम्हारा ही घर है? अभी तो हमारे ससुर जी हैं, हमारे ससुर जी कुछ नहीं बोलते हैं, और हमारे घर में बहुत से हैं हमारे, और सब उनको नहीं कोई आपत्ति है, पर इनको ज़्यादा ही कुछ है। तो फ्रेंड, क्या बताएं आप सभी से, हाथ दर्द करने लगा। तो YouTube से अभी हमारा कोई पेमेंट वेमेंट नहीं आता है फ्रेंड, कि हाँ चलो पेमेंट आता है, हम घर पे नहीं बनाएंगे, कहीं चल के बाहर बना लेते हैं वीडियो। जब पेमेंट नहीं आता है फ्रेंड तो हम कहाँ घूमेंगे बताओ, दो बच्चे पढ़ते भी हैं, हमारे हस्बैंड काम नहीं करे, ये तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और पढ़ाई लिखाई कैसे करवाऊँगी बच्चे से, बताइए।
तो जब पेमेंट वेमेंट आने लगेगा तो मैं खुद ही अपने घर पे किसी को नहीं बुलाऊंगी, मैं खुद ही बाहर जाकर वीडियो बनाऊंगी। पर फ्रेंड आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलती करती हूँ घर पर वीडियो बनाती हूँ। आप सब तो मेरी वीडियो देखते हैं, इतना मैं अश्लील वीडियो बनाती हूँ तो वो भी कमेंट करके बताइए। मैं ख़राब वीडियो अगर बना रही हूँ तो आप सब तो हैं बताने के लिए ना, तो प्लीज़ फ्रेंड आप सब कमेंट करिए कि मैं घर पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। बहुत हमारे घर में बवाल हो गया था, अभी क्या बताऊं आप सभी से, आप ही सबसे बहुत उम्मीद लगा हुआ है हमारा, आप सब के भरोसे मैं ये सब कर रही हूँ। फ्रेंड आप सब चाहेंगे ना तो क्या से क्या कर देंगे मेरी ज़िंदगी। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड तो आप सभी से यही कहना था, आप सब देखिएगा हमारा भी सपोर्ट करिए, और ब्लॉग वीडियो हम कम ही डालते हैं क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर डालते हैं, हमारा वीडियो चलता नहीं है, व्यूज बिल्कुल भी नहीं आता है, 100-200 पे रुक जाता है। आप सब सपोर्ट करिए हमारा फुल वीडियो वॉच टाइम पूरा कर दीजिए। फ्रेंड आप सब, हमारा वॉच टाइम अभी बहुत कम है, 435 ही घंटे हुए हैं, तो प्लीज़ आप सब हमारा वीडियो फुल वॉच कर दिया करें। आप सभी से बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ, इतना गाली सुन रही हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, पर आप ही सबका प्यार देख के सपोर्ट देख कर मैं हमारा हिम्मत कहता है कि चलो नहीं हम बंद नहीं करेंगे, हम बनाएंगे, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आप सब अपनी राय कमेंट में बता देना, मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बाय फ्रेंड।